हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इस्लामाबाद धरने के शुरका और सिक्योरिटी फोर्सेस आमने सामने। मुजाहिरीन के पथराव से एसपी आमिर नियाजी समेत पुलिस और एफसी के 4 अहलकार जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने फैजाबाद गार्डन एवेन्यू के करीब कंटेनर्स पर भी कब्जा कर लिया। आज वो वक्त नहीं जो पहले हुआ करता था, ना कभी एनआरओ किया ना आइंदा करेंगे, नवाज शरीफ ने वाजे कर दिया। बोले, उसूलों पर खड़े रहने वाले कभी नाकाम नहीं होते। ये भी कहा कि आमिरों की पॉलिसी पर गामजन तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात नहीं, पीपल्स पार्टी ने आमिरों के काले कानून की हिमायत की, जिस पर अफसोस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल किया था। खुद को अवाम का नुमाइंदा कहने वालों ने नवाज शरीफ को तहफ्फुज़ देकर जमहूरियत का मजाक उड़ाया। इमरान खान बरस पड़े। जरदारी साहब पहले किसी और की ईंट से ईंट बजाना चाहते थे, आज वो जमहूरियत की ईंट से ईंट बजाना चाहते हैं। वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला का तंज, बोले, जब बद किरदार शख्स पार्टी की सरबराही कर सकता है तो नाअहल शख्स क्यों नहीं। पीपल्स पार्टी नहीं, अदलिया पर हमला करके नवाज शरीफ जमहूरियत डीरेल कर रहे हैं। एतजाज अहसन का मौकिफ, कहा हुदैबिया पेपर्स मिल केस में नवाज शरीफ के खिलाफ चलता फिरता गवाह लंदन में मौजूद है, नवाज शरीफ इसे वापस नहीं आने देंगे। आम इंतखाबात बर वक्त कराने के लिए हलकाबंदियों के मामले पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की मदद मांग ली। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात की ख्वाहिश। खुर्शीद शाह ने पैगाम पार्टी कयादत तक पहुंचाने की यकीन दहानी करा दी। कहा, तहरीरी तजावीज दें ताकि पार्टी कयादत जायजा लेकर जवाब दे। सेनेट में हल्का बंदियों के हवाले से आईनी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया। आईनी तरमीम की हिमायत मुश्तरका मफदात काउंसिल के फैसलों पर अमल दरामद से मशरूत कर दी। एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में गवाहान के बयान रिकॉर्ड, समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। शरीफ फैमिली 28 नवंबर को फिर तलब। पेशी के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर पहुंच गए। मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। साइंसी बुनियादों पर व्हाइट कॉलर मुकदमात को मुकम्मल किया जाएगा। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का दो टोक पैगाम, कहा, जेरे समाद नैब रेफरेंसेस की खुद निगरानी कर रहा हूं। कराची के खून पसीने की कमाई विफाक को देते हैं। 3 शाहराहें बनाकर शहर वालों को धोखा नहीं दिया जा सकता। एमक्यूएम सरबरा फारूक सत्तार का तकरीब से खिताब, कहा, हम कचरा उठाने की और हुकूमत पैसा बटोरने की मशीनें चला रही है। डेरा इस्माइल खान में दहशत गर्दों से झड़प में पाक फौज के मेजर इसहाक शहीद हो गए। नमाज़े जनाजा में आर्मी चीफ और दीगर की शिरकत। मादर वतन की हिफाजत का मुकद्दस फरीजा अंजाम देते रहेंगे, DGISPR का ट्वीट। 1971 में पाकिस्तान का साथ देने का जुर्म, बांग्लादेश की अदालत ने जमात इस्लामी के मजीद 6 रहनुमाओं को सजाए मौत सुना दी। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में आतिश फिशा ने राख और धुआं उगलना शुरू कर दिया। अवाम महफूज मकामात पर मुंतकिल। और जापान में तेज रफ्तार तरीन बुलेट ट्रेन की आजमाइश, रफ्तार 250 किलोमीटर फी घंटा है।
अस्सलाम वालेकुम। आज 6 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद और मैं हूं सादिया खास। बुलेटिन का आगाज करेंगे, सबसे पहले आपको बताएं हुकूमत तो धरने वालों को मनाने में लगी है और धरने वाले हुकूमत का सब्र आजमाने में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद में धरना बदस्तूर 17वें रोज भी जारी है और आज इस धरने में कुछ इश्तियाल की फिजा दिखाई दे रही है। अब से कुछ घंटे पहले मुजाहिरीन मुश्तइल हुए, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज पर पथराव भी किया गया। बिल्कुल, जिसके नतीजे में 4 अहलकार जख्मी हो गए। जख्मियों में एसपी सदर और एफसी अहलकार भी शामिल हैं। इस हंगामाराई के बाद फोर्सेस को अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी जाने मसालहती कमेटी ने वजीर कानून जाहिद हामिद को फिलहाल काम से रोकने की तजवीज दी है ताकि धरने वालों के मौकफ में नरमी लाई जा सके। लेकिन क्या हुकूमत इस तजवीज पर अमल करने का सोच रही है, इसी पर बात करेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे अली फुरकान से, जो इस वक्त धरने के मकाम पर मौजूद हैं। तो अली बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, ये कुछ देर पहले की बात है जब धरने के जो शुरका हैं उन्होंने उनकी और पुलिस की दरमियान जो है वो एक झड़प हुई और ये झड़प जो है वो गार्डन एवेन्यू जो कि फैजाबाद से कुछ फासले पर है, इंटरचेंज के साथ ही है, वहाँ पे हुई और वहाँ पे जो कंटेनर लगा हुआ है उसके ऊपर जो है वो मुजाहिरीन ने कब्जा कर लिया है और इस झड़प के नतीजे में एफसी के 4 अहलकार और पुलिस के आमिर न्याजी जो है वो जख्मी हुए हैं और पुलिस की जानब से जो जवाबी जो कार्रवाई हुई उसके नतीजे में कुछ मुजाहिरीन जो है वो भी इसके नतीजे में जख्मी हुए हैं। उसके बाद इस सूरत हाल के बाद जो है वो ला एनफोर्समेंट एजेंसी के जो अहलकार हैं उनकी जाती नफरी यहाँ पे बुलवा ली गई है और उनको अलर्ट कर दिया गया है। दूसरी जन्म जो पंजाब हाउस में मुजाकरात का सिलसिला अभी भी जारी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पंजाब हाउस में मुजाकरात का सिलसिला जारी है। ये बताइएगा कि मसालेहती कमेटी ने फिलहाल वजीर कानून को काम से रोकने की तजवीज दी है, तो इस तजवीज पर अमल का हुकूमत कोई इरादा रखती भी है? जी बिल्कुल, चूंकि हुकूमत की जानब से ये बार बार कहा जा रहा था मुजाहिरीन के जो वक्फ था वजीर कानून को उनको मुस्ताफी होने के हवाले से, तो अब जो है वो तजवीज सामने आई है। दराय के मुताबिक ये तजवीज तहरीक लबैक की जानब से दी गई है और जो इसी कमेटी के सरबरा हैं पीर हुसैनुद्दीन शाह, उन्होंने इसकी तौसीक की है, जिसके बाद ये तजवीज जो है वो अब हुकूमत के सामने रखी गई है। और अब देखिए जो पंजाब हाउस में इस वक्त मुजाकराती दौर चल रहा है उसमें क्या नतीजा निकलता है। इस जो तजवीज है उसमें ये कहा गया है राजा जफरुल हक की जो रिपोर्ट है उसको मंजर आम आने तक जाहिद हामिद जो है उनमें काम से वो अलहदा हो जाए, वो मुस्ताफी ना हो, लेकिन फिलवक्त जो है वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वजारत कानून की उनसे जो है वो अलहदा हो जाए। तो इस सूरत हाल में जो है वो जो धरने के जो मुतालबात हैं उनके वो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली फुरकान आपका। इस्लामाबाद का धरना अब तक नजर आ रहा है, हुकूमती रेट नजर नहीं आ रही। धरना और इस्लामाबाद के शहरियों की मुश्किलात 17वें रोज में दाखिल हो गई हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाली अहम शाहरा अब तक बंद है। आवाम का हाल और धरने का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। जुड़वा शहरों के संगम पर मजहबी जमात का धरना बदस्तूर जारी। फैजाबाद चारों अतराफ से बंद, इलाके में निजामे जिंदगी मफलूज। गुज़श्ता कई रोज से मोबाइल फोन सर्विस भी जुज़वी मुअत्तल है। IJP रोड, इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे और मुलहका सड़कों की बंदिश से शहरियों का ट्रैफिक में घंटों फंसे रहना मामूल बन गया। दूसरी जानब हुकूमत धरने को मुज़ाकरात के जरिए खत्म कराने के लिए कोशा है, जबकि धरना क़यादत वजीर कानून के इस्तीफे के मुतालबे पर कायम है। अवाम की मुश्किलात आखिरकार साबिक वज़ीर-ए-आज़म को नजर आ ही गईं। नवाज शरीफ ने फैजाबाद धरने को मुज़ाकरात के जरिए खत्म कराने की हिदायत कर दी। कहा मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पंजाब हाउस में नवाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। नैब रेफरेंसेस पर एहतसाब अदालत में हुई कार्रवाई पर मुशावरत की गई। जाहिद हामिद ने इलेक्शन बिल में खत्म नबुव्वत से मुतालिक पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफ किया। इजलास में धरने से मुतालिक मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर बातचीत हुई। राजा जफरुल हक ने बताया कि मुजाहिरीन जाहिद हामिद के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं।
नवाज शरीफ ने धरने का मसला मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया। हिदायत की कि मुजाहिरीन के खिलाफ किसी किस्म का तशद्दुद या ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इजलास में नून लीग की अवामी राबता मुहिम पर भी तबादला ख्याल किया गया। बुलेटिन में अब जिक्र सियासी मौसम और सियासतदानों के मिजाज का, जो कब बदल जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। मतलब हो तो बरसों के फासले मिनटों में तय हो जाते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को भी मुश्किल वक्त में सियासी रिश्ते याद आ रहे हैं। मियां साहब ने जमहूरियत को जवाज बनाकर किसको मदद के लिए पुकारा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म सियासी दूरियां दूर करने के लिए सरगर्म। नवाज शरीफ को सियासी भाई आसिफ जरदारी की याद आ गई। नाराजी दूर करने के लिए तैयार। नाराज तुम नाराज हम, कैसे मिटे फिर दूरियां, हम मुंतजर तुम बेखबर, दोनों की है मजबूरियां। नाराज तुम नाराज हम कैसे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर मिसाक़ी जमहूरियत की बंद फाइल खोली है। मुश्किल वक्त में आसिफ जरदारी को जमहूरी जिम्मेदारी का सबक दिया है। मुल्क के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, ये वोट की हुर्मत के लिए, वोट के तकद्दस के लिए और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ, विदाउट एनी प्री कंडीशंस। मियां साहब ने अपना मिजाज बदलने के बाद अब 70 बरस की तारीख बदलने की ठान ली है। 70 साल तारीख से हमें डिपार्चर की जरूरत है। आगे बढ़ने के लिए इसको बदलना होगा और इसको बदलना चाहिए, ये सबके फायदे में है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर अदालती फैसलों पर एतराज़ात उठाए और दिल का हाल बयान कर दिया। उन जजेस से जो हमारे बेंच में बैठे हुए थे, तो फिर मेरा फैसला पनामा की बजाय अकामा पे ना आता, ये उसका सबसे बड़ी दलील है। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है उस बेंच के जजेस से कि वो कोई इंसाफ करेंगे। नवाज शरीफ कहते हैं पीटीआई सियासी पार्टी नहीं है, पीटीआई झूठ और इल्जाम तराशी की सियासत कर रही है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म या नवाज शरीफ ही नहीं, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली है। खुर्शीद शाह ने राबते की तस्दीक कर दी। आम इंतखाबात 2018 में हायल रुकावट कैसे दूर की जाए, हल्का बंदियों के मामले पर हुकूमत ने पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन लीडर को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात कराने की दरख्वास्त कर दी। खुर्शीद शाह ने पैगाम पार्टी क्यादत तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई, साथ ही हुकूमत को तहरीरी तौर पर तजावीज देने का भी कह दिया। मुझसे कल प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई स्पीकर के थ्रू, और उसने कहा कि मैं लज़ाई साहब से मिलना चाहता हूँ, चेयरमैन बिलावल से मिलना चाहता हूँ, तो मैंने उनका मैसेज जो है अब लीडरशिप को रात को पहुंचा दिया था। हल्का बंदियों से मुतालिक आईनी तरमीमी बिल कौमी असेंबली से मंजूर हो चुका, तहम हुकूमत को सेनेट में अददी बर्तरी न होने के बायस पीपल्स पार्टी की मदद दरकार है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी से बात मनाने में मसरूफ हैं, लेकिन राणा सनाउल्ला अलग ही राग अलाप रहे हैं। वज़ीर कानून पंजाब कहते हैं कि जरदारी साहब पहले किसी और की ईंट से ईंट बजाना चाहते थे और आज वो जमहूरियत की ईंट से ईंट बजा रहे हैं। राणा सनाउल्ला का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी ये गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब से कि ये जो पिंडी का शैतान और ये जो जमहूरियत मुखालफ कुवतें हैं, आप इनको पहचाने और ये जो एक सियासी लड़ाई है ये उसको घसीट घसीट के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं। जरदारी साहब जो है वो पहले किसी और की ईंट से ईंट बजाने पे जो है वो तुले हुए थे, आजकल जो है वो जमहूरियत की ईंट से ईंट बजाने के ऊपर जो है वो कमर बस्ता है। आप जिनकी ईंट से ईंट बजाने निकले थे उनकी तो अब ईंट से ईंट आप जोड़ने पे जो है वो आ गए हैं, तो अब जमहूरियत की ईंट से ईंट ना बजाएं। वहाँ पे अगर आपने ईंट से ईंट बजाने का इरादा तर्क कर दिया है तो बराए मेहरबानी अब जमहूरियत की ईंट से ईंट ना बजाएं, ये इरादा भी जो है ना इसके ऊपर भी नज़रसानी करें। राणा सनाउल्ला साबिक सदर से खफा हैं और नवाज शरीफ अदालती फैसलों से नाला हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि अदलिया का दोहरा मयार सामने आ रहा है, हमारे खिलाफ फैसले बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनके खिलाफ फैसला कब आएगा अदालत ही जानती है।
سابق وزیر اعظم نواز شریف کی احتساب عدالت آمد صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو استثناء حاصل تھا پھر عدالت کیوں آئے نواز شریف نے جواب دیا کہ دیکھیں کیسے دور سے گزرنا پڑ رہا ہے ہمارے لیے کچھ اور ان کے لیے کچھ اور معیار رولز آف گیم ایک جیسے ہونے چاہیے ہمارے خلاف فیصلے بہت جلدی آ جاتے ہیں ان کے خلاف فیصلہ کب آئے گا عدالت ہی جانتی ہے سابق وزیراعظم نے کہا کہ عدلیہ کا دوہرا معیار سامنے آ رہا ہے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر جیسے الفاظ استعمال کیے گئے جو عدلیہ کو زیب نہیں دیتے عدلیہ کے فیصلوں سے معیشت پر ضرب پڑی نواز شریف نے شکوہ کیا کہ تحریک انصاف نے چین کے ساتھ کام نہیں کرنے دیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی دھرنے میں شریک رہے عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں مخالفین کا ایجنڈا جھوٹ اور فریب ہے سابق وزیراعظم نے کہا کہ دھرنوں کے باوجود ہم نے ڈیلیور کیا ملک میں بجلی اور خوشحالی آئی جی ڈی پی ریٹ کہاں تک پہنچ گیا بے روزگاری اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہم نے جو کام کیے انہیں پورا پاکستان تسلیم کر رہا ہے نواز شریف کا کہنا تھا کہ دھرنے آج بھی کسی نہ کسی صورت جاری ہیں نواز شریف عدالت کے اندر اور لیگی رہنما عدالت کے باہر کھل کر بولے احتساب عدالت کے باہر نواز شریف کی حمایت میں مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں نے مخالفین کو آڑے ہاتھوں لیا کس نے کیا ریاکشن دیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں آج چونکہ نواز شریف پلس پلس ہی ہو گئے تو زیادہ دیر لگ گئی جی میں پہنچ رہا ہوں جی وفاداروں کا ہمیشہ انتظار ہی کیا جاتا کہ ایک وعدہ قوم کے ساتھ محمد نواز شریف نے کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جھوٹے الزامات کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ ایک اقامے پہ ایک کرپشن کا ابھی تک کوئی بھی نہ ریفرنس بن سکا نہ کسی قسم کا کوئی الزام یا کسی قسم کا کوئی ثبوت مل سکا اور وہ لوگ جو مائنس نواز شریف فارمولے کی خواہش رکھتے تھے وہ لوگ الحمدللہ کل خود مائنس ہو لیکن لوگ اپنے رہنما کے ساتھ کھڑے ہیں اور پورے عزم کے ساتھ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں صرف لیگی رہنما ہی نہیں عمران خان بھی نواز شریف کی حمایت کر رہے ہیں اور یہ الزام کپتان پر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے لگایا ہے عمران خان کے خلاف اس بیان کی آخر وجہ کیا ہے جانیے اس رپورٹ میں عمران خان ایوان کا راستہ بھول گئے تحریک انصاف کے چیئرمین واحد رکن قومی اسمبلی ہیں جو ایوان سے اکثر غیر حاضر ہی رہتے ہیں اور اس عادت نے انہیں غیر حاضر ارکان پارلیمنٹ میں پہلی پوزیشن دلا دی ہے وزیر اعظم کے انتخاب سمیت کئی اہم مواقع آئے لیکن عمران ایوان نہ آئے گزشتہ روز پیپلز پارٹی نے نااہل شخص کے پارٹی صدر بننے پر پابندی سے متعلق بل اسمبلی میں پیش کیا عمران پھر بھی پیش نہ ہوئے لیکن بل کی مخالفت کرنے والوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا آپ جمہوریت میں ہو کے ایک ڈاکو کو بچا رہے ہیں ایک خاندان جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور عوام کا پیسہ چوری کر رہا ہے زمین خریدنے کے لیے 94 ارب روپیہ اور وہ 94 ارب روپیہ کل بول رہا تھا اسمبلی میں جب انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے ایک مجرم کو انہوں نے ووٹ کیا کہ پارٹی کا سربراہ رہے عمران خان نواز شریف کے حامیوں پر برسے اور خورشید شاہ عمران خان پر برس پڑے اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ عمران نے غیر حاضر رہ کر نواز شریف کو سپورٹ کیا ہے عمران کے ایوان میں آنے سے بل بے شک پاس نہ ہوتا لیکن وہ بذات خود اپوزیشن کی نظر میں پاس ہو جاتا